पाकिस्तानी मीडिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में आप सबको खुश आमदीद। और आज जो है वो हम स्पेसिफिकली मैं बात करना चाहूँगी पाकिस्तानी मीडिया और प्राइम टाइम शोज़ जितने भी चैनल्स के ऊपर हो रहे हैं। कोई 10 तो न्यूज़, 10 तो मिनिमम न्यूज़ चैनल होंगे जिनके ऊपर कम अज़ कम 3 प्रोग्राम्स, 3 एंकर्स जो हैं वो प्रोग्राम कर रहे हैं प्राइम टाइम शो में। वो आई थिंक 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक का टाइम होता है। मुझे टाइम स्लॉट भी नहीं पता, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि इस दरमियान होता है जो न्यूज़ चैनल का प्राइम टाइम होता है। तो अगर आप न्यूज़ चैनल लगा के देखें क्या बात हो रही है, सिर्फ दो बातें होती हैं। कोई एक टॉपिक पकड़ लिया जाता है और उस चीज़ को हर प्रोग्राम में पटखा जाता है, हर प्रोग्राम में इतना उछाला जाता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। आजकल क्या बातें चली हैं, फजलुर रहमान का धरना, उसके बाद इमरान खान ने क्या कहा। भाड़ में डालो फजलुर रहमान को, आप इतना फोकस क्यों कर रहे हो फजलुर रहमान के ऊपर। इतने आप डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं, उनको उनके धरने में अब लाठियां चलेंगी। आप लोगों ने इतनी उसको हाइप दी कि वो चौड़े हुए जा रहे हैं, चौड़े हुए चले जा रहे हैं। जितने भी शोज़ चल रहे हैं, शुरू का 15 मिनट का हिस्सा जो है वो कश्मीर के लिए वक्फ करना चाहिए इन लोगों को, और उसके बाद अपनी जो फजूल से डिस्कशन इन्होंने करनी है ना वो करते रहें। मीडिया का काम होता है कि फोकस कराना। अभी आप लोगों ने क्या फोकस कराया है पाकिस्तानी मीडिया ने, फजलुर रहमान जो है वो फोकस हैं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं यकीन माने सल्यूट करती हूँ यूट्यूबर्स को, चाहे वो करंट अफेयर्स पे काम कर रहे हों, चाहे वो पाकिस्तान के विजिट्स के हवाले से बात कर रहे हों, या पाकिस्तान की इकनॉमी के हवाले से बात कर रहे हों, या वो ओवरसीज़ जितने भी दौरे चल रहे हैं इमरान खान के उसकी कवरेज के हवाले से बात हो। यकीन माने इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स लेके आते हैं कि आपको उम्मीद बनती है कि नो, देर इज़ समथिंग गोइंग ऑन। होता क्या है पाकिस्तान में कि टीवी लगा लिया जाता है और ख़बरें देखी जाती हैं, और ख़बरों में क्या आता है या प्राइम टाइम शोज़ में क्या आ रहा होता है, धरना धरना धरना, मार्च मार्च मार्च, धरना मार्च धरना मार्च, लाठी लेकर आएंगे, पुलिस यहाँ से आंसू गैस करेगी, और इमरान खान ने ये कह दिया, फलाना कह दिया। अरे आप लोगों ने फोकस क्या किया है, आपकी जनरेशन क्या करना करने वाली है आगे, क्या अपडेट्स दे रहे हैं आप, बेसिकली आप लोग क्या अपडेट्स दे रहे हैं अपने न्यूज़ चैनल में, वही रिपीटेड प्रोग्राम रोज़ाना। भाई 2 प्रोग्राम कर लिए ना, तीसरा प्रोग्राम ज़रा डिफरेंट टॉपिक पे करो। यकीन मान गाली आ रही है मुंह में, बड़ा जब्त कर रही हूँ। सारे के सारे, कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जो ढंकी बैठ के बात कर रहा हो इस वक्त। अगर आपका एक प्रोग्राम हो चुका है फजलुर रहमान के धरने पे, तो प्रोड्यूसर को चाहिए कि सेकंड प्रोग्राम में डिस्कस कुछ और करे, थर्ड प्रोग्राम में कुछ और डिस्कस करे। नहीं भाई, चाहे रऊफ़ क्लासरा हो, चाहे हामिद मीर हो, चाहे उसामा गाजी हो, चाहे आशफ अब्बासी हो, चाहे वसीम बादामी हो, जो भी आप नाम लें, उस्मान पीरजादा, जो जो नाम आप लेना चाहें, जिन जिनके लेना चाहें, सब लोग क्या करें, ये धरना नहीं हो सकता, ये धरना हो सकता है, ये धरना कैसा होगा, ये धरना ऐसा होगा। वो लाठी तैयार कर रहे हैं, उस पर कीले लगा रहे हैं, और इमरान खान ने कहा हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। चलिए, मुज़ाकरात के लिए आज कमेटी तश्कील दे दी गई, आप इसके ऊपर तबसरा करें। अरे भाई बस कर दो, माफ़ कर दो, अब जब से धरने का शुरू हुआ है इसके अलावा कुछ सुनने में ही नहीं आ रहा। क्या हो क्या रहा है, कामयाब जवान के प्रोग्राम के हवाले से जो हुआ है, जो आपका रॉयल विजिट हुआ है, इसके हवाले से क्या प्रोग्रेस होनी चाहिए, क्या हो रहा है आगे, आपके स्पोर्ट्स में कितनी जो है वो फतूहात हैं। आप लोगों ने इस सब को कवरेज नहीं देनी, बस ये जो खापड़ है ना, इन सब को कवरेज देनी, क्योंकि आप सबके खुद भी खापे इनके साथ बने हुए हैं। फॉर गॉड सेक, अपनी थोड़ी सी रवैयों को चेंज करें। यकीन माने मैं तो नाम ले लेके भी थक जाऊंगी, लेकिन आप जिसका चैनल लगा के उठा के देख लें, सब लोग क्या बोल रहे हैं, धरना लॉन्ग मार्च, धरना लॉन्ग मार्च, एंड आई एम जस्ट सिक एंड टायर्ड ऑफ इट। इससे बेहतर है, मैं आप सबको ऑनेस्टली बोलूं कि इससे बेहतर है आप यूट्यूब पे जाएं और जो यंगस्टर्स हैं ना, उनके चैनल्स उठाकर देखें, और उसमें देखें कि मुल्की मईशत, सिफारतकारी, डिस्कवरीज, इसके हवाले से क्या प्रोग्रेस हो रही है आपके मुल्क में, आपको उम्मीद बंधेगी। मैंने तो टीवी देखना ही छोड़ दिया, इस किस्म के प्रोग्राम नहीं देखती, क्योंकि सिर्फ यही चीज़ें हो रही हैं। आप लोग इनको व्यूज़ देना छोड़ेंगे तो इन लोगों की सिमत बदलेगी।
तो प्लीज़ इन लोग को व्यूज़ देना छोड़ दें, टीवी पे प्राइम टाइम शोज़ देखना ही बंद कर दें। दैट्स द बेस्ट थिंग। अगर आपको बस यही सुनना अच्छा लगता है कि कब धरना होने वाला है, क्या होने वाला है, देन या श्योर वाई नॉट। अगर एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं तो इससे बेहतर है कि आप कोई सास बहू का ड्रामा लगा के देख लें। उसकी कहानी फिर भी थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी इन न्यूज़ एंकर्स के प्रोग्राम्स के साथ। वही ला के ना चिक 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 चिक, ना किसी बात का कोई नतीजा निकलता है, ना कोई वाजे बात सामने आती है। बस क्या आता है, लड़े जा रहे हैं एक दूसरे के गिरेबानों पे, आपने ऐसा क्यों किया, हम लिख कर दे देते, हम इतने लोग लेकर आएंगे। जस्ट गो टू हेल। हमारी जो न्यूज़ कास्ट कमेटी है या हमारे जो प्राइम टाइम शोज़ के होस्ट हैं, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल पीपल। आप इतने अरसा हो गया, हाँ जाहिर सी बात है, लोग शायद टीआरपी आप लोगों को इसी वजह से मिलती होगी, क्योंकि हमारी माशाल्लाह से आवाम तो जी भर के जो है ना, वो क्या कहें उसे, डिप्रेस चीज़ें जानबूझ के देखना चाहती है ताकि उम्मीद की कोई किरण ना हो। बहरहाल, अपनी अगली वीडियो के लिए आप सबसे मैं फ़िलहाल खुदा हाफिज़ कहती हूँ। आखिर में वही एक बात, आई वॉन्ट टू रीयूनाइट विद बाबर आवान एंड आई वॉन्ट से सेव द सोल्स ऑफ कश्मीर एंड रेफरेंडम इन कश्मीर। अल्लाह हाफिज़।